हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रिंस चौधरी स्टॉक्स में। सो एक पोस्ट एनालिसिस वीडियो जहाँ देखेंगे कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। ग्लोबल मार्केट देखो, यूएस मार्केट डाउन है, यूरोपियन मार्केट्स डाउन है, एशियन मार्केट पूरा बेरिश है, मेजोरिटी सेक्टर बेरिश है। कमोडिटीज में हम देखेंगे तो गोल्ड और क्रूड ऑयल दोनों बुलिश है। क्रूड ऑयल का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वॉर वाला सिनेरियो है, एंड गोल्ड का प्राइस इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लोगों में फियर फैक्टर आ चुका है अभी। सो इस वॉर का हमारे इंडियन मार्केट्स पे कितना फर्क पड़ सकता है ना, ये हमें कल पता चलेगा जब मार्केट ओपनिंग होगी, क्योंकि मार्केट एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट पर खड़ा है। सबसे पहले मैं वन डे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम ये ट्रेंड लाइन एनालाइज करें तो आप लोगों को दिखेगा कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है, और यही मार्केट का नेचर होता है, वो हमेशा एक चैनल में चलता है। कंसिडरिंग यहाँ के जो सेलर्स है उनको डिजायर्ड प्रॉफिट अगर यहाँ से बुक करना है, अगर वो बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन पूरे 4 बार टेस्ट हो चुकी है, और अगर वॉर की न्यूज और वर्स होती जाती है मार्केट में और ज्यादा सेलिंग आने के बहुत चांसेस है। तो हम हमारे ट्रेड प्लान्स कैसे करेंगे कल मार्केट ओपनिंग में, देखो दो चीजें हो सकती है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है इसका मतलब यह है कि जो टॉप पे सेलिंग किए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो नीचे कितना नीचे जा सकता है वो भी देखेंगे। उसके लिए मैंने लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। निफ्टी के 3 दिन के पूरे कंटिन्यूअस गैप डाउन के बाद आज एक गैप अप ओपनिंग आई थी, मार्केट ऊपर गया, हमने यहाँ एक ट्रेड प्लान किया था, मुझे मेरा डिजायर टारगेट मिल गया और मैंने एग्जिट किया। मार्केट वापस इस लेवल पे आता है, मार्केट में बहुत शार्प सेलिंग आती है। ये सेलिंग इतनी शार्प थी कि निफ्टी की ये एक कैंडल 220 पॉइंट की है, 5 मिनट की सिंगल कैंडल, 10,000 रुपए की कैंडल है ये। कल के लिए ट्रेड प्लान क्या होंगे, अगर मार्केट 22,000 के नीचे ओपन होता है, ये 21,850 का भी एक लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है 21,550 तक। लेट्स सी कि इफ वॉर वाले सिनेरियो की वजह से सेलिंग और होती है, अगर ये 21,850 का लेवल ब्रेक होता है तो ही मैं प्लान करूंगा कि सेलिंग साइड में जाने का, और सेलिंग आएगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,550। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या साइडवेज ओपन होता है, 22,072 के ऊपर जाता है तो ही हम बाइंग के लिए कुछ देखेंगे। मार्केट इस बीच कहीं ओपन होता है तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मैं ये लेवल्स कैसे निकालता हूं, चलो देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पर आ जाता है। बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पर देखे तो हमें एक बहुत क्लियर चैनल नजर आता है यहाँ पे, कंसिडरिंग के थोड़ा सा ही नीचे और आ जाएगा ये सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। सबसे पहले लेवल्स निकाल लेते हैं, ये हमारा एक लेवल हो गया, दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, ये हमारा ऑल टाइम हाई का 49,000 का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 46,500, ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पे पहले भी अच्छी सेलिंग आई हुई है, तो 46,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा हमारे लिए, प्लस ये ट्रेंड लाइन के पास भी आ रहा है तो ये काफी एक अच्छा सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा सकता है। 44,200 का ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक शार्प सेलिंग आई हुई है इस पॉइंट से, कंसिडरिंग के बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे ओपन होता है, और 46,500 से नीचे जाना शुरू होता है कुछ प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे एक रीटेस्ट लेके, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सेम जिसके मार्केट अगर इस लेवल में कहीं घूमता है तो मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है तो एक बाइंग साइड में अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऐसे ही और क्विक एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब करके लाइक कर देना।